गुड मॉर्निंग गॉय वेलकम बैक टू माई चैनल ठीक है जो कॉन्टिन्यूटी में देख रहा हूँ उसे लग रहा होगा बार बार गुड मॉर्निंग क्यों करती रहती है बट लेट मी टेल यू ये मैं डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ रीजन आई ऑलवेज स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग सो इन केस यू हैव एन वॉच दंबर वन एंड टू गो एंड वॉच दैट फर्स्ट एंड देन वॉट स्टेप नंबर थ्री ठीक है अब फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है इन वीडियो वन वी की मीडिया प्लानिंग क्या होती है ठीक है हमने कहा ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन है इसलिए हमें फाइव स्टेप अप्रोच चूज करनी पड़ रही है एंड जिसकी वजह से ये चैप्टर इतना मुश्किल और इतना लेंदी बनता जा रहा है स्टेप नंबर वन किया हमने स्टेप नंबर टू किया स्टेप नंबर थ्री हम करने वाले हैं वन में हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी इम्पैक्ट फ्रीक्वेंसी एंड रीच यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी मीडिया कंसेंट्रेशन एक जगह पैसा डालना या मीडिया अलग अलग मीडिया कैटेगरीज में पैसा डालना ठीक है स्टेप नंबर थ्री पे आते हैं चूजिंग द सेलेक्टिंग और चूजिंग द स्पेसिफिक मीडिया वही कर देखो अब क्या हो रहा था अभी तक हम स्टेप नंबर टू में मीडिया कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे मीडिया कैटेगरी और स्पेसिफिक मीडिया वहीकल में डिफरेंस पता होना चाहिए जब जाके ये स्टेप समझ में आएगा मीडिया कैटेगरी क्या हो गई तुम्हारी टीवी जो याद है ये वाला जो डायग्राम बनाया था मैंने दिस

बट अब हमें सेकेंड चूज करना है स्टेप नंबर थ्री में ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा ठीक है आगे नहीं आया तो अभी आगे जाके चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियरली बट दिस वॉज जस्ट टू अप नाउ लेट्स मूव फर्दर व्हाट इज मीडिया वहीकल सबसे पहले कैटेगरी जैसे मैंने बताया इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी में तुम्हारा टीवी मैगजीन ठीक है एंड और यू कैन से टीवी मैगजीन और क्या होता है सोशल मीडिया ठीक है वहीकल विल बी मोर स्पेसिफिक कौन सा टीवी सब चैनल कौन सी मैगजीन स्पोर्ट्स मैगजीन या फेमीना मैगजीन ठीक है स्पेसिफिक न्यूज पेपर या स्पेसिफिक मैगजीन ठीक है ओके नाव वाई डू वी नीड इट बिकॉज हमें अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है I have to carry my advertisement or commercials. Okay. <coughs> Sorry. So TV के अंदर I chose over है Z TV. Now special media vehicle. Why you know you need such a important step कि भाई तुमने यहाँ पे एक अलग ही step बना दिया कि तुम्हें choose करना है. Why it cannot be done randomly? कि आज मैं उठी नींद से मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट करना है मीडिया कैटेगरी मुझे पता है टीवी का बजट है चलो जी टीवी पे कर लेते हैं नो इट इज दैट ठीक है ये बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ किया जाता है ये बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है जो जो मैं बोल रही हूँ ध्यान रखा करो मैं क्या बोल रही हूँ ठीक है आई से टू टर्म्स ओवर है क्वानिटेटिव कैरेक्टर आई मेक माई डिसीजन अबाउट स्पेसिफिक मीडिया वहीकल ठीक है इट इज नेवर एन इजी जॉब टू चूज द बेस्ट कुछ ईजी नहीं होता एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स होता यू हैव टू सी किसकी रीच है किसकी फ्रिक्वेंसी है हम उसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करेंगे लेट्स से से इफ इफ आई कि स्टार भारत, यू हैव ऐसा हो सकता है कि इसकी जो रीच ऑफ फ्रीक्वेंसी हो या इसकी जो रीच है वो कंपैरेटिवली लेस है एज कंपेयर टू स्टार प्लस ठीक है सिमिलरली यहाँ पे हो सकता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी करूँ तो कॉस्ट थोड़ी कम है बट यहाँ पे इट बी वेरी कॉस्ट, ठीक है ना क्वान्टिटेटिव क्राइटेरिया में हम चार चीजें देखते हैं व्हीकल की रेटिंग ऑडियंस डुप्लीकेशन जोग्राफिकल कवरेज एंड कॉस्ट ठीक है अब देखो एंड जस्ट सी कि मैंने एक एक कवर की है नहीं किया ओके हम ये देख लेते हैं वहीकल की रेटिंग अब एक बात बताओ अगर रेटिंग ज्यादा है तो वॉट यू सजेस्ट लोग उसे ज्यादा देख रहे होंगे राइट इफ आई से सबका तारक मेहता हा, सब है हाई व्हीकल रेटिंग ठीक है ना ऑडियंस डुप्लीकेशन लेट से मेरी मॉम दो चैनल्स देखती है एक देखती है जी टीवी और एक देखती है स्टार प्लस ठीक है अब मैं अपनी मॉम को दो बार काउंट करूँ की अगर म, यहाँ पे भी ऐड पे भी ठीक है तो दिस विल लीड टू ऑडियंस डुप्लीकेशन तो जब मैं ये सब जजमेंट्स ले रही होंगी कि मुझे कौन सा स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल चूज करना है आई नीड टू सी कितने ऑडियंस डुप्लीकेट हो रहे हैं ठीक है जोग्राफिकल कवरेज एज आई टॉक्ड अबाउट कुछ अगर तुम कहीं रूरल एरिया में जाओगे तो वहां पे मे बी आई वे एम टीवी इतना ज्यादा नहीं चल रहा होगा राइट बट वेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार प्लस तो इट इज पॉसिबल कि वहां के रूरल एरिया भी साजिश साथ वाला सीरियल देख रही हूँ ठीक है कॉस्ट नाउ कॉस्ट ऑब्वियसली एज आई मेन्शन कि कॉस्ट अगर तुम्हारी रीच ज्यादा है टीआरपी ज्यादा है या व्हीकल रेटिंग ज्यादा उस पर्टिकुलर चैनल की तो तुम्हारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है ठीक है इज अ टर्म कॉल्ड सीपीएम अब सीपीएम क्या होता है जैसे मैंने देखा हमें दो चीजें देखनी पड़ती है एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव ठीक है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में मैंने अभी तक चार चीजें देखी क्या मुझे कॉस्ट देखनी पड़ेगी क्या व्हीकल रेटिंग है क्या ड्युप्लीकेशन है या क्या राइट अभी मैंने क्वालिटेटिव टच नहीं किया है इसमें एक और चीज आती है सीपीएम ठीक है अब ये सीपीएम क्या होता है देखो अगर अब तुमने नहीं पढ़ा होगा ये पर्टिकुलर टर्म तो तुम पेपर में नहीं लिख सकते सीपीएम मैं तो नहीं लिख सकती थी अगर मुझे नहीं पता होता तो ये होता है कॉस्ट पर थाउजेंड अब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो कहोगे मैम फिर तो ये सीपीटी होना चाहिए था सीपीएम क्यों है ठीक है आई टेल यू द रीजन ये सीपीएम इसलिए है बिकॉज इन्होंने थाउजेंड को रोमन में लिखा है ठीक okay? है एम इज द रोमन नंबर ऑफ थाउजेंड ओके एंड इसकी लैटिन एप्रीवियशन क्या होती है ठीक है सीपीएम ओके कॉस्ट पर थाउजेंड रीच बाय द एम इज द रोमन नंबर फॉर थाउजेंड अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा करते हैं ठीक है जब ही समझ में आएगा ओके सबसे पहले सीपीएम कैलकुलेट कैसे होता है सीपीएम कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ एडवरटाइजिंग इन वहीकल डिवाइडेड बाय सर्कुलेशन ऑफ मीडिया वहीकल मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही इन टू थाउजेंड बिकॉज दिस इज बिकॉज दिस इज योर पर थाउजेंड ठीक है लेट्स से मेरे को एक स्पोर्ट्स मैगजीन में अपना एड डालना, <coughs> डालना है ठीक है स्पोर्ट्स मैगजीन में और यू कैन से जस्ट फैशन मैगजीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है लेट्स टेक इट फैशन मैगजीन इस मैगजीन में मुझे अपना एड डालना ठीक है मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पूरा पेज पे मेरी एड दिखे ठीक है लेट्स मेरा किसका एड होगा हाईलाइटर का मेकअप वाला या तुम फाउंडेशन ले लो ठीक है फाउंडेशन का एड है मेरा मेबलिन फाउंडेशन अब मुझे ये पूरे पेज पे ऐड चाहिए मैंने कॉल किया हेलो सर कितने का बैठेगा ही सेट सिक्सटी नाइन थाउजेंड रुपीज और आइल जस्ट से वन लाख रुपीज ठीक है आइल से वन लाख उसने कहा वन लाख रुपीज है और तुम तो मेरा पूरा पेज ले सकते हो मैंने कहा सर ये लोग कितने लोग पढ़ते हैं आपकी मैगजीन मतलब कितने सर्कुलेट होगी तो उसका डीलर कहता है कि थर्टी लाख लोगों में ये मैगजीन सर्कुलेट होती है तो मैं क्या करूँगी मैं कॉस्ट पर थाउजेंड निकाल लेती हूँ ठीक है कॉस्ट पर थाउजेंड से कैसे निकलेगा तीन तीन ठीक है ठीके? तो इट विल कम आउट टू बी हंड्रेड बाई थ्री लेट्स कीप इट थ्री हंड्रेड ठीक है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी तो दिस इज हंड्रेड तो इसका मतलब क्या हुआ हंड्रेड पर थाउजेंड इज दिस पर्टिकुलर सिमिलरली मैंने एक और एक और और से से पूछा पूछा ठीक है मैगज़ीन तो उसने कहा सर गे ना आपको अराउंड वन लाख फिफ्टी का पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे मेरी सीपीएम क्या हो गया वन फिफ्टी नाउ आई विल कंपेयर की मुझे किस मैगजीन पे जाना है डू आई है ऑब्वियसली अगर तुम चाहते हो अपनी कॉस्ट कम करना तो और एक रैशनल मीडिया प्लान चूज सीपीएम, ठीक है तो ऑलवेज वी विल बी चूज ए हंड्रेड वाला बट यहाँ पे इतना आसान नहीं होता

लेट्स से मेरा प्रोडक्ट है शैम्पू ठीक है अब ये शैम्पू मैंने स्पेशली बनाया है विमेन के लिए ठीक है टू रिड्यूस दी हेयर फॉल बट जब मैं ये मैगजीन में एड डालने गई तो मुझे पता चला दस लाख तो सिर्फ मेन ही रीड कर रहे हैं और दस लाख में मेन रीड कर रही है राइट तो ये तो मेरे लिए यूजलेस है जब मेरा प्रोडक्ट इनके लिए है ही नहीं तो मैं इन्हें काउंट करूं या नहीं करूं? नहीं ठीक है सो so, लेट्स अगर मेरी टारगेट ऑडियंस सिर्फ टेन लाख ,00 है तो आई नीड टू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी टेन लाख एंड नॉट दी लैक्स वाई बिकॉज ट्वेंटी लैक्स में से टेन लाख ,00 तो मेरे मेन है जो मेरे टारगेट ऑडियंस है ही नहीं

अच्छे से मैगजीन में ग्राफिक्स के साथ एक यू नो सॉफ्ट पेपर के साथ वैसे डालू तो वहां पे मेरा अटेंशन ज्यादा जाएगा ठीक है तो हमें देखना होता है नाउ वी में हमने क्या क्या बात करी वंस अगेन सबसे पहले हमने करी दैट वी हैव टू चूज द व्हीकल रेटिंग्स वी नीड टू चूज वी नीड टू डिसाइड

Uh, जिन्हें मैं टारगेट कर रही हूँ क्या वो मेरी कवरेज में है भी या नहीं ठीक है यानी कि मैं आ गया। अब आती है क्वालिटेटिव क्राइटेरिया क्वालिटेटिव क्राइटेरिया में जजमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है ठीक है वहीकल रेप्युटेशन कितनी रेप्युटेशन है ऑब्वियसली टी ओ आई हैज ग्रेट 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 रेप्यूटेशन इफ आई टॉक अबाउट ठीक है एडिटोरियल इन्वायमेंट एंड्रोडक्शन जो जजमेंट होती है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होती है दीज आर फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में घुसने में जरूरत नहीं है बिल्कुल जरूरत नहीं है सिर्फ ऊपर ऊपर से याद कर लो ठीक है uh,

ऑर्गेनिक टी बैग्स मैंने लॉन्च करे हैं ठीक है तो वो मैं कहाँ डालू एड डेली टाइम्स में तो डालूंगी बट डेली टाइम्स में तुमने कभी कभी नोटिस किए कि कभी कभी न्यूट्रिशन के बारे में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े हेल्थ के बारे में आ रहे होते हैं डॉक्टर्स के आ रहे होते हैं हाउ टू रिड्यूस वेट आ रहे होते हैं स्पेशली वेन यू ओपन दी संडे वाला डेली टाइम्स ठीक है तो अगर मैं वहां डालूंगी अपना ऑर्गेनिक टी बैग्स तो मे बी लोगों का अटेंशन वहां ज्यादा जाए ठीक है तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे यू नो इम्पैक्ट करेगी मेरे डिसीजन को मीडिया बाय मीडिया प्लानर्स एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू हैव देश बेस्ट स्पेसिफिक मीडिया वहीकल ठीक है तो दैट्स इट फॉर द स्टेप नंबर थ्री ठीक है स्टेप नंबर फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से बहुत इंपॉर्टेंट था ठीक है टू और थ्री स्टेप नंबर स्टिल वी बिकॉज यहाँ पे हमने दो टर्म्स पढ़े यहाँ पे हमने एक ही टर्म पढ़ा जो तो नहीं आता था बाकी तुम तो घुमा फिरा के लिख ही लोगे आई नो ठीक है वन वन बी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रीच फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट इज अ क्वेश्चन जो बार बार आता रहता है बट स्टेप नंबर फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर फाइव भी थोड़ा इजी है ठीक है वो मैं एक और टॉपिक के साथ कवर कर दूंगी सो फोर्थ विल बी माई सेकेंड लास्ट वीडियो ओके सो मेक श्योर तुम फोर्थ वाला बहुत अच्छे से देखो ठीक है एक साथ देखने की कोशिश मत करना अगर अभी तक सारी वीडियो एक साथ देखते हुए आ रहे हो एंड आई लव लोड इट बाई टू मॉरो आई गेस सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो

बट इट विल बी मोर ऑफ डिटेल जैसे ये है ये है ये है तो उसमें एक एक एक-एक एक-एक दो दो लाइन और लिखी होगी सो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अगर चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टा ऑन ईमेल एनी वे ठीक है थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बाय